लंबे समय के बाद राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नई बसों की एंट्री हुई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने 5 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान रोडवेज सेवा लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रही है। रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिससे रोडवेज की बस सेवा सिमट गई है। लेकिन अब लंबे समय के बाद रोडवेज में फिर से नई बसें आने की शुरुआत हुई है। रोडवेज के बेड़े में 5 नई बसें शामिल हुई, जिन्हें डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूजा अर्चना करने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि बजट घोषणा में 1650 कार्मिकों की भर्ती और 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री के आम जन को सुरक्षित और सुगम परिवहन मुहैया कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। बीते 5 साल में पिछली सरकार ने रोडवेज के भले के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में रोडवेज को फिर से मजबूत बनाना है। 3 बसें भरतपुर डिपो को तो वहीं 2 बसें जयपुर के वैशाली नगर डिपो को दी गई हैं। जिस तरह से रोडवेज का पिछले 5 साल में खाका खराब कर रखा था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि जिस तरह से 510 अभी नई बसें आ जाएगी और 1300 बसें हमारे को और मिलने वाली है, लेकिन 300 और मिलने के बाद में समुचित व्यवस्था मैं मानता हूं कि जहां भी डिमांड और जहां भी आएगी वहां वहां हम रोडवेज की बसें सुचारू रूप से लगाएंगे और उसके बाद में हमारे को भर्ती के लिए भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भर्ती भी मिल रही है। निश्चित रूप से हमारे इस रोडवेज डिपार्टमेंट में एक अच्छा अचीवमेंट होगा। इस अवसर पर परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि बेड़े में शामिल बसें नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण मानक युक्त BS6 श्रेणी की हैं, जिसकी बस बॉडी का निर्माण कार्य नवीनतम बस बॉडी कोड AIS 052 अनुसार करवाया गया है, जो उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाता है। ये सभी वाहन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, महिला सुरक्षा हेतु पैनिक बटन, मोबाइल चार्जर जैसी तकनीक से युक्त हैं। अभी रोडवेज प्रबंधन को 505 बसें मिलना और बाकी है। इनमें से करीब 30 बसें रोडवेज प्रबंधन को 10 अगस्त तक मिल जाएंगी। वहीं अगस्त माह के आखिरी तक प्रबंधन को कुल 100 बसें मिल जाएंगी। अक्टूबर महीने तक सभी 510 बसें मिलने की उम्मीद है। वहीं रोडवेज CMD ने बताया कि जल्द ही प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बहरहाल ये 5 नई बसें मिलना मौजूदा समय में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अक्टूबर के आखिरी तक सभी नई बसें बेड़े में शामिल हो सकती हैं। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।